दोस्तों, आज बारिश ने काम किया, बहुत पैसा मिला, बहुत खुश हूँ। और इतना सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। और पहले तो टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जब बारिश आ गया, सर जी पे एक्टिव हो गया, तब से जाके मेरा टारगेट पूरा हो गया, टारगेट से भी ज़्यादा पैसा मिला। तो देखते रहिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहला ऑर्डर के साथ वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। रूम से ऑनलाइन कर दिया था और अभी भी जस्ट एक गिग्स मिला 11 बजे से 12 बजे। मेरा गिग्स था 12 बजे से 2 बजे तक, लेकिन अभी चेक किया तो देखा कि 11 बजे से 12 बजे का गिग्स ओपन हो गया, तो मैं उसको बुक कर लिया। साथ ही साथ उसी टाइम ही निकल गया और लॉगिन किया तो ऑर्डर भी असाइन हो गया, जिसके लिए अभी पिकअप लोकेशन में पहुंच गया और जल्दी जल्दी ये पिकअप कर लेता हूँ। पहले ऑर्डर में 32 रुपीज़ शो हो रहा था, तो इसको कंप्लीट करता हूँ और देखता हूँ पूरा दिन में कितना होता है। और संडे ज़्यादा होने के चांसेस है, देखता हूँ कितना होता है। तो फिलहाल अभी मैं रेस्टोरेंट पर पहुँच गया, स्लाइड भी कर दिया, अभी ऑर्डर पिकअप करने के लिए टाइम है। और आप देख सकते हो पिकअप ऑर्डर इन 40 मिनट्स, तो 14 मिनट बाद ही मुझे ऑर्डर मिलेगा, लेकिन उससे जल्दी भी मिल सकता है। ठीक है, देखता हूँ कब तक मिलेगा। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। क्या वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो थोड़ा कमेंट में आप बता सकते हो। वीडियो में लाइक्स नहीं आता है, अगर लाइक्स मिलता है तो आपको सबको पता है, जो लोग यूट्यूब में काम करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, लाइक मिलने से उससे सबसे ज़्यादा खुशी होता है। तो मुझे भी ऐसा ही है, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगा और मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो देखते हो, जितना भी लोग देखते हो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक्स आता नहीं क्योंकि वीडियो अच्छा नहीं होता है, नहीं तो कैसे करूंगा। आप कमेंट में बता सकते हो भाई ऐसा वीडियो बनाओ तो अच्छा रहेगा। जो लोग भी वीडियो डालते हैं उन लोगों को लाइक से ज़्यादा मतलब होता है, व्यूज़ जितना भी आओ कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर जितना व्यूज़ है उतना अगर लाइक्स मिल जाता है तो उन लोग को ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि हाँ मेरा वीडियो अच्छा हो रहा है, कि मैं करूँगा धीरे धीरे। तो वीडियो देखो, हो सके तो लाइक कर दो यार, लाइक होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है, मतलब मेरा वीडियो अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, इसे लगता है। दोस्तों, आज का पहला ऑर्डर पिकअप हो गया है और जल्दी जल्दी चलता हूँ, और जितना टाइम शो रहा था उससे बहुत पहले ही मिल गया, तो इस ऑर्डर के साथ आज का अर्निंग स्टार्ट होगा। तो देखता हूँ कितना मिलता है, और वीडियो में लाइक कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपका अगर कुछ काम का हो। दोस्तों, डिलीवरी पॉइंट पर पहुँच गया और जाना है 18th फ्लोर तक। जल्दी जल्दी चलता हूँ और इसको डिलीवरी करता हूँ, और इसके साथ कितना रुपये मिलता है वो देखिए देख लेता हूँ। और क्या बोलता है, मतलब ये आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर जल्दी कंप्लीट होने वाला है, देखता हूँ कितना मिलता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर हो गया डिलीवरी, रेटिंग दे देता हूँ और देखता हूँ इसमें कितना मिलता है। ठीक है, क्योंकि पहला ऑर्डर ओके 23 रुपीज़, सॉरी, ठीक है चलेगा। और नेक्स्ट ऑर्डर कब मिलता है पता नहीं, लेकिन आप भी देख सकते हो 21 मिनट लॉगिन आवर्स है, 23 रुपीज़ है अर्निंग, और बस एक ही ऑर्डर कंप्लीट किया। अभी देखता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर कब मिलता है। तो दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर भी असाइन हो चुका है जल्दी जल्दी, और इसको भी कंप्लीट करता हूँ, और पास में है और नज़दीक में, मैं इसको स्लाइड भी कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं पहुँच गया ऐसे ही, सॉरी थोड़ा सा डिस्टेंस में है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुँचता पहले। दोस्तों, अभी जहाँ पर ऑर्डर डिलीवरी करके आया, फिर सेम ही जगह पर फिर से ऑर्डर आया, और बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा होगा तो 250 मीटर होगा। तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर दो, और इसमें 22 रुपीज़ शायद मिलेगा, देखता हूँ कितना मिलता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतना स्लो क्यों बात करता हूँ, एक्चुअली जब रेस्टोरेंट पे पहुँच जाता हूँ तो काफ़ी आदमी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, कस्टमर्स रहते हैं, उन लोगों के सामने जोर से बात करना अच्छा नहीं होगा, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, जिसके लिए मैं स्लोली धीरे धीरे बात करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हो तो इस हिसाब से स्लो बात करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये जो ऑर्डर है ये रेडी होने में 20 मिनट तक लगेगा, ऑलरेडी आप देख सकते हो तो ऑर्डर इन 16 मिनट, तो ऑलरेडी 4 मिनट्स हो गया। ठीक है, और इसमें एक ही चिकन पोथी बिरयानी, तो देखता हूँ कब तक मिलेगा। दोस्तों, पूरा आधा घंटा बाद जाके मेरा सेकंड ऑर्डर मिला, तो जल्दी जल्दी जाना है और इसको डिलीवरी करना है। तो दोस्तों, सेकंड ऑर्डर पर डिलीवरी हो गया, तो सिंपली कस्टमर को रेटिंग दे देता हूँ, और इसमें कितना मिलता है वो भी देख लेता हूँ। ओके, 22 रुपीज़ मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट करना है, जल्दी जल्दी नेक्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, मिल गया ऑलरेडी, इसमें 30 रुपीज़ हो रहा था, तो जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, आज का फास्ट टिप 30 रुपीज़, आप देख सकते हो अभी जो ऑर्डर आया उसमें 30 रुपीज़ का टिप्स भी मिला है, तो पहला टिप्स आया है आज, इसको कंप्लीट करता हूँ जल्दी जल्दी। दोस्तों, टिप्स वाली ऑर्डर हो गया डिलीवरी, और इसमें देखता हूँ कितना मिलता है, और देख सकते हो उसमें 30 रुपीज़ का टिप्स था, तो टिप्स छोड़ के या टिप्स आके ओके 42 रुपीज़ मिला ऐसे ही, और टिप्स मिला के हो जाएगा 72 रुपीज़। तो गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ, और नेक्स्ट ऑर्डर मिलने में कितना टाइम लगेगा बाद में देखता हूँ।
दोस्तों अभी जो ऑर्डर डिलीवर किया ये थोड़ा डिस्टेंस में था, मतलब काफ़ी डिस्टेंस में था, फिर भी ये डिलीवर हो गया जल्दी जल्दी। और इसमें कितने मिलते हैं 44 रुपीज़, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस में था जिसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसे मिले। दोस्तों संडे का टाइम होता है लॉटरी जैसा, जल्दी जल्दी बहुत ऑर्डर मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, और आज भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन फिर से एक ही प्रॉब्लम है, हर एक रेस्टोरेंट से कम 30 मिनट तक लेट हो रहा है। 30 मिनट लेट होने से कैसे कंप्लीट होगा, और इतना लेट होता है होने से पैसा भी कम होता है, मतलब ऑर्डर कम आता है। तो अब तक जितना ऑर्डर आया अर्निंग अच्छा हुआ, लेकिन ऑर्डर कम आया जिसके लिए अर्निंग थोड़ा कम है, ठीक है। एक एक ऑर्डर में 40-45 रुपये ऐसा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लेता है, वो एक दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी देखते हो, अभी तो गिग्स ख़त्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट गिग स्टार्ट होगा 6 बजे से, तो देखता हूँ अभी कितना होता है और तब तक कितना होता है। टोटल तो 5 गिग जैसा बुक किया है, 4 गिग्स कल का है, आज 1 गिग मिला था, तो टोटल 5 गिग्स में कितना मिलता है वो देखा जाएगा। दोस्त ये अभी के लिए लास्ट ऑर्डर है, तो दोपहर का लास्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और इसमें आप देख सकते हो मैं ऑफलाइन में भी चला गया, और इसमें मिला 26 रुपीज़, अभी बहुत नज़दीक में था जिसके लिए बहुत ही कम मिला है। और अभी के लिए टोटल जो अर्निंग है वो आप देख सकते हो 338 हो गया, ठीक है, उसमें 30 रुपीज़ का टिप्स मिला था। दोस्तों अभी मैं हूँ अभी के लिए जो लास्ट ऑर्डर है उसका ड्रॉप लोकेशन पे, तो कस्टमर को कॉल कर दिया ऑलरेडी, कस्टमर बोला मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो और मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर वहीं पे रखा है, और उनको हाथ में डिलीवरी मतलब हैंड ओवर करके यहाँ से निकलूँगा। और अभी रूम में जाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, नहाना है, सब कुछ करना है, फिर 5:45 को फिर से लॉगिन करना है। तो देखता हूँ अभी तो 338 रुपीज़ हो गया, और रात में कितना होता है देखता हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो गया 5:40, और फिर से रेडी हो गया, अभी निकलने वाला हूँ, और 5:45 में फिर से गिग स्टार्ट हो जाएगा, और 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे तक काम करने वाला हूँ। अभी 3 गिग्स बाकी है, तो देखता हूँ इस 3 गिग्स में कितना मिलता है। दोपहर का जो गिग था उसमें जितना भी मिला अच्छा मिला है, 3 घंटे में 338 रुपये मिला, और अभी जो 2 गिग्स करने वाला हूँ इसमें 3 घंटे का ड्यूटी है, तो देखता हूँ इसमें कितना मिलता है। दोस्तों और आज संडे है जिसके लिए थोड़ा ज़्यादा अर्निंग का चांस है, जितना मिला वो छोड़ के भी अभी जो आने वाला है उसको देखता हूँ कितना मिलता है, तो टोटल कितना होता है वो वीडियो का लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू रहना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे भी हो गया टाइम, अभी निकलने वाला हूँ, तो देखता हूँ पहला ऑर्डर कब लगता है, पहला ऑर्डर के साथ रूम से निकलेंगे, तो बस इतना ही। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, और फिर से दिखा देता हूँ कितना हुआ है, तो अभी देख सकते हो दोस्तों 338 रुपीज़ मिला है, 9 ट्रिप्स किया है, ऑर्डर भी 9 ही है, आज मल्टी ऑर्डर नहीं आया था, और कस्टमर से टिप्स मिला था 30 रुपीज़ का। और दोस्तों वीकली का देखा जाए पार्ट टाइम करके आज देख सकते हो कितना हो रहा है और कितना हो गया है, ठीक है। और आज टोटल अभी तो 3031 रुपये हो गया है दोस्तों, अभी देखता हूँ और भी काम बाकी है, 3500 तक हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, फिर भी देख ट्राई करना पड़ेगा। और अभी सिंपली 3 गिग्स ही है, अगर आपको देखना है तो सिंपली आप देख पाएंगे, इसमें 3 गिग्स है अभी, ओके, और भी 2 गिग्स मिल गए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो 10 से 11, 11 से 12 अगर ये मैं करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। दोस्तों अभी 3 गिग्स है, 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे, तो ये 3 गिग्स मैं अभी कंप्लीट करूँगा, और इसमें कितना होता है मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक मेरा टाइम नहीं हुआ, अभी देख सकते हो 17:41 हो गया है, तो और 4 मिनट पर मेरा गिग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का सेकंड टिप्स 30 रुपीज़, तो उससे थैंक यू बोल देता हूँ, और ये टिप्स मिला शाम को। दोस्तों अभी 9 बज के ज़्यादा हो गए हैं, और अभी हर एक ऑर्डर में ज़्यादा पैसा आसान हो रहा है, क्योंकि अभी सर्जी पे स्टार्ट हो गया है, इधर बारिश नहीं हो रहा है लेकिन सर्जी पे स्टार्ट हो गया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पैसा छोड़ रहा है। तो दोस्तों अभी अभी मेरे को एक ऑर्डर आसान हो गया जिसमें 55 रुपीज़ हो रहा था, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, और इसमें अब अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपली ये जो है ये सर्जी पे स्टार्ट हो गया, और इसमें मेरा लोकेशन भी है जिसके लिए ये सर्जी पे मेरे साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखता हूँ कितना कर सकता हूँ, और जितना होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी तक जितना अर्निंग है आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो 624 रुपये हो गया, और सर्जी पे मिलने के बाद थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, तो देखता हूँ कितना होता है। दोस्तों जल्दी जल्दी इतना ज़्यादा ऑर्डर आ रहा था कि जिसके लिए वीडियो शूट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहा है लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा है। संडे के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं, सिर्फ ऑर्डर ही आ रहा है,
तो ऑर्डर कंप्लीट कर रहा हूँ और लास्ट तक तो देखना पड़ेगा कितना मिल रहा है, और अभी तक तो 20 ऑर्डर से ज़्यादा हो गया, देखता हूँ और बाकी कितना मिलता है। और अभी भी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, क्योंकि लास्ट का जो 2 गिग्स था 10 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे, वो गिग्स भी बुक कर लिए बाद में, तो इस हिसाब से रात 12 बजे तक काम करने वाला हूँ 9 घंटे के आसपास। तो देखता हूँ 9 घंटे में कितना होता है, 1000 रुपीज़ का टारगेट है, लेकिन कितना होगा वो पता नहीं, और वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। दोस्तों सर्जी पे एक्टिव हो गया और अच्छा से मिल रहे हैं ऑर्डर, आप देख सकते हो एक ऑर्डर नीचे ऑलरेडी वेट कर रहा है, तो ये ऑर्डर में 70 रुपया मिला और एक ऑर्डर नीचे है, तो इसमें 61 रुपीज़ मिल रहा था, लेकिन इसमें डिस्टेंस है ओनली 520 मीटर्स, तो चलता हूँ इसको कंप्लीट करता हूँ जल्दी जल्दी। दोस्तों बहुत दिन बाद मेरा आज सपना पूरा हुआ है, बारिश में भीग भीग के ड्यूटी करने का, तो आज पूरा बारिश हो रहा है और बारिश के पास पूरा भीग गया, ठीक है, लास्ट में जाके टोपी लगाया, और अभी भी बारिश हो रहा है पूरा, आप देख सकते हैं इधर कीचड़ हो गया, तो बारिश में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन बारिश में ड्यूटी करने के लिए बहुत मज़ा आता है। दोस्तों अभी जो ऑर्डर आया था उसका ड्रॉप लोकेशन में भी पहुंच गया, और उससे पहले 200 मीटर्स जो मैडम था उनको कॉल कर दिया, मैडम थोड़ा जल्दी आ जाइए इसमें बारिश हो रहा है, तो बोला ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ, तो इस हिसाब से वो आने वाली है और मैं भी ऑर्डर डिलीवरी करने वाला हूँ। और बारिश तेज़ी से हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें, अगर थोड़ा देखना है तो आप देख सकते हो बारिश तो अच्छे से हो रहा है, मोबाइल थोड़ा बहुत भीग गया है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा है आज बारिश में, बहुत अच्छा लगता है मेरे को पहले से ही। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह बारिश हो रहा है, अभी बहुत ही बारिश हो रहा है चारों तरफ, तो ले मैं इस दीवार के पास में थोड़ा सा खड़ा हो कि पूरा भीग ना जाओ, ठीक है, मैडम को कॉल कर दिया, मैडम 2 मिनट करते करते मेरे को 5 मिनट हो गया इधर खड़ा कर दिया, अभी भी फिर बोल रहा है 2 मिनट, तो 2 मिनट कितना मिनट में होता है, कितना सेकंड में होता है मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो 120 सेकंड में 2 मिनट होता है, लेकिन ये लोगों को 5 मिनट हो गया फिर भी 2 मिनट नहीं हुआ अभी तक, क्या करते हैं। तो दोस्तों इस ऑर्डर में मिला 66 रुपीज़, लेकिन जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो 960 मीटर, फिर नीचे एक ऑर्डर असाइन हो गया ऑलरेडी, तो इसमें दिखा रहा है 80 रुपीज़, इसका भी डिस्टेंस बहुत ही पास में है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया और बहुत ही पास में है, और जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअली मैडम अभी तक आया नहीं, तो उनका ऑर्डर के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। दोस्तों आज का ड्यूटी सबसे अलग था, आज बारिश में पूरा फुल बारिश में ड्यूटी किया, अभी भी पूरा शर्ट पूरा भीगा हुआ है, पानी भी नीचे से टपक रहा है, ठीक है, और बहुत मज़ा आया, जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया, इतना अच्छा लगा, टारगेट पूरा हो गया उससे भी ज़्यादा पैसा मिल गया, तो कभी कभी बारिश होना अच्छा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा बीमारी भी हो जाता है, लेकिन मैं बीमारी के बारे में सोचा नहीं, पहले मेरे को बारिश में भीगने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और जिसके लिए आज ड्यूटी के साथ साथ मज़ा भी आया पैसा भी आया, और कितना पैसा आया वो तो मैं स्क्रीन पर जाके बताने वाला हूँ, और बहुत बहुत खुश हूँ आज, मतलब टारगेट जितना किया उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, ठीक है, तो चलता हूँ स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कितना हुआ है। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पर आ गया, आप देख सकते हो टोटल 25 ऑर्डर्स किया है, और टोटल जो लॉग इन ऑर्डर्स है 9 घंटा 50 मिनट, और उसके साथ मेरा जो अर्निंग है वो 1108 रुपया, ठीक है, और बहुत ही अच्छा है आज का दिन, मतलब पूरा ऐसे ही क्या बताऊँ, इतना अच्छा कभी मेरा नहीं हुआ था, आज जितना खुश हो, और आज अगर टोटल अर्निंग आप देखना चाहते हो तो सिंपली आप देख सकते हो, ये हफ्ते में मेरा टोटल अर्निंग हो गया 3800 रुपया, ओनली 3800, ठीक है, और आज का जो अर्निंग है आप देख सकते हो 1108 रुपये, तो आज का अर्निंग बहुत ही अच्छा है, और आज बहुत खुश भी हो, और दोस्तों हाथ में टिप्स मिला था 65 रुपीज़, और इधर आज मिला जैसे कि 60 रुपया टिप्स मिला, सिंपल टिप्स, मतलब क्या दोस्तों आज का जो ऑर्डर अर्निंग है सिंपली आप देख सकते हो 913 रुपया सरजी पे, ये सबसे खास बात है दोस्तों, 60 GB मिला 135 रुपया, इतना सारा 60 GB कमाया, क्योंकि आज बहुत सारा ऑर्डर किया 60 GB के टाइम जब थोड़ा सा बारिश हो रहा है, और कस्टमर से टिप्स मिला 60 रुपीज़ ऑनलाइन में, और जो ऑफलाइन में है वो 65 रुपीज़ मिला, तो कस्टमर से काफ़ी अच्छा टिप्स मिला है, ठीक है, और सब कुछ हिसाब किया जाए तो आज अर्निंग बहुत ही अच्छा हुआ, संडे था फिर भी अच्छा हुआ, ठीक है।